हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचपी जीके के बारे में, और एचपी जीके से जितने भी आपके ब्रीडिंग फार्म्स हैं, स्पर्म स्टेशंस हैं और पोल्ट्री फार्म्स हैं, यानी कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी आपके ब्रीडिंग फार्म्स हैं, अलग अलग जगह पर स्पर्म स्टेशन है और पोल्ट्री फार्म्स हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता ही होगा कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो छोटे लेवल का हो या बड़े लेवल का हो। और कई बार क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, या तो आपको डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि ये वाला फार्म जो है वो कहां पर है, ठीक है, या फिर आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि इनमें से किस जगह पर जो है वो पोल्ट्री फार्म नहीं है, या फिर आपके पास मिलाने वाले ऑप्शन जो है वो दे दिए जाते हैं जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड वीडियो है, और अगर इस वीडियो की पीडीएफ आप जो है वो चाहते हो तो जीके स्टडी ऐप से जाकर जो है आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर जाकर आप जो है पढ़ सकते हो पीडीएफ फॉर्मेट में, और प्ले स्टोर पर जाकर जीके स्टडी ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो। आप एचपी पीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर एचपी एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो दोनों के लिए आपके जो है वो जीके स्टडी ऐप काम आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैटल ब्रीडिंग फार्म की, यानी कि पशु प्रजनन फार्म जिसको बोलते हैं, ठीक है। कैटल ब्रीडिंग फार्म कहाँ कहाँ पर है हिमाचल प्रदेश में, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करें कैटल ब्रीडिंग फार्म की, तो वो है आपका पालमपुर कांगड़ा में, ठीक है, याद रखना है आपको पालमपुर में। दूसरा आपका जो है वो है आपका कोठीपुरा बिलासपुर में, और तीसरा जो है आपका वो है आपका बागथन सिरमौर, ठीक है। तो दो तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो आपके पास जगह पूछी जाएगी कि किस जगह पर है, जैसे कि पालमपुर, कोठीपुरा और बागथन में, या फिर आपसे पूछी जाएगी डिस्ट्रिक्ट की कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, आपका हो गया कांगड़ा, बिलासपुर और सिरमौर, ठीक है। क्वेश्चन कई बार ये भी बनता है कि इनमें से किस डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आपका कैटल ब्रीडिंग फार्म नहीं है, तो तीन आपके पास ये ऑप्शन होंगे, चौथा मान लीजिए आपके पास मंडी दे दिया, तो आपका आंसर होगा मंडी, मंडी में नहीं है, ठीक है। या फिर आपके पास जगह दे दी जाएगी कि पालमपुर, कोठीपुरा, बागथन, ठीक है, और या फिर कोई और ऑप्शन, तो आप इसके थ्रू भी जो है वो आपको याद रखना है, या फिर मिलाने के लिए दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको डिस्ट्रिक्ट भी साथ ही साथ जगह भी जो है वो पता होनी चाहिए। तो मेनली तीन जगह जो है वो आपके कैटल ब्रीडिंग फार्म है, एक हो गया पालमपुर, ठीक है, दूसरा हो गया आपका कोठीपुरा और तीसरा हो गया आपका बागथन सिरमौर, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका शीप ब्रीडिंग फार्म, ठीक है। जो भेड़ प्रजनन फार्म होते हैं वो हिमाचल प्रदेश में कहां कहां पर है, इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा, बट हम एक ही वीडियो में जो है वो सारे कवर कर रहे हैं ताकि आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो सबसे पहले बात करें, सबसे पहला जो है वो आपका है जियोरी शिमला में, ये आपने जो है वो पढ़ा भी होगा बहुत बार। दूसरा आपका ताल हमीरपुर में है, तीसरा आपका सरोल चंबा में है, उसके बाद करछम किन्नौर में है, और उसके बाद नंगवाई मंडी में है, ठीक है। तो इतनी जगह पर जो है वो आपके भेड़ प्रजनन केंद्र जो है वो पाए जाते हैं, फार्म आप बोल सकते हैं। ज्योरी हो गया, ताल हो गया, सरोल हो गया, करछम और नंगवाई। करछम कहां पर है आपका, किन्नौर में है, नंगवाई आपका मंडी में है, सरोल चंबा में है, ठीक है, ताल हमीरपुर में है, और ज्योरी आपका शिमला में है, जहां पर आपके भेड़ प्रजनन फार्म जो है वो पाए जाते हैं। तो ये याद रखिएगा, अच्छे से इसको दिमाग में बिठा लीजिएगा वीडियो के साथ साथ ही। नेक्स्ट बात करते हैं रैबिट ब्रीडिंग फार्म्स की, ठीक है। खरगोश प्रजनन केंद्र आपके कहां कहां पर है, सबसे पहला है आपका नंगवाई मंडी में, ठीक है। अब याद रखिएगा कि नंगवाई में आपका जो है वो शीप, जो आपका भेड़ प्रजनन केंद्र वो भी है, उसी के साथ साथ जो है वो आपका रैबिट ब्रीडिंग फार्म यानी कि खरगोश प्रजनन फार्म भी जो है वो आपका नंगवाई मंडी में। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा जाता है कि रैबिट ब्रीडिंग फार्म आपका एक कंडवारी मंडी में भी है, सॉरी मंडी नहीं, कांगड़ा में, कंडवारी कांगड़ा में, जहां पर जो है वो आपका अंगोरा ब्रीडिंग फार्म है। अंगोरा रैबिट जो होते हैं उनका ब्रीडिंग फार्म है, कंडवारी भी बोला जाता है इसको, कंडवारी भी बोला जाता है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। कहां पर है, कांगड़ा में, जहां पर अंगोरा रैबिट का ब्रीडिंग फार्म है। तो कई बार डायरेक्टली यही आता है क्वेश्चन कि अंगोरा वाला कहां पर है, और दूसरा भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इन दोनों को, दो ही जगह पर जो है वो आपके रैबिट ब्रीडिंग फार्म है, जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। बात करते हैं हॉर्स एंड याक ब्रीडिंग फार्म, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इकलौता है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो हॉर्स या फिर याक जो आपका ब्रीडिंग फार्म है वो है आपका लरी लाहौल स्पीति में, एक ही आपको याद रखना है, लरी लाहौल स्पीति, जहां पर आपका घोड़ा या फिर जो आपके याग होते हैं उनके ब्रीडिंग फार्म जो है वो स्थित है। बात करते हैं स्पर्म स्टेशन की, स्पर्म स्टेशन आपके दो जगह पर है, पहला है आपका पालमपुर में जो कि कांगड़ा में स्थित है, और दूसरा है आपका अडुवाल में जो कि आपका सोलन में है। तो कांगड़ा और सोलन में दो जगह पर जो है वो स्पर्म स्टेशन है, पालमपुर, अडुवाल, या फिर डिस्ट्रिक्ट पूछी जाती है तो कांगड़ा और सोलन, ये याद रखिएगा टिप्स पर। पोल्ट्री फार्म की बात करते हैं, तो सबसे पहले हिम हेचरी आपकी सुंदरनगर मंडी में पोल्ट्री फार्म है, नाहन हेचरी आपका सिरमौर में जो पड़ता है वहां पर पोल्ट्री फार्म है, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बहुत बार पूछा जाता है क्योंकि चेब्रो या कलर्ड स्ट्रेन फार्म जो है वो आपका ये नाहन में स्थित है, ठीक है, तो ये डायरेक्टली बन सकता है क्वेश्चन। फिर आपका कमलाही में जो है शिमला में पोल्ट्री फार्म है,
चौंतरा मंडी में पोल्ट्री फार्म है, अजौली ऊना में पोल्ट्री फार्म है, पालमपुर कांगड़ा में पोल्ट्री फार्म है, चंबा में पोल्ट्री फार्म है, और इसके अलावा आपका जो है वो सोलन में पोल्ट्री फार्म है। तो क्वेश्चन इनसे डायरेक्टली ये बनता है कि किस स्थान पर जो है वो आपका पोल्ट्री फार्म नहीं है। चार आपके पास ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपको चूज करना है कि इनमें से किस जगह पर पोल्ट्री फार्म नहीं है, ठीक है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि छेब्रो या छेब्रो कलर्ड स्ट्रेन के जो आपके पोल्ट्री फार्म है वो कहां पर स्थित है, तो वो उसका आंसर आप लगाओगे कि नाहन सिरमौर में स्थित है, ठीक है। या फिर हिम हेचरी आपकी कहां पर स्थित है, तो वो है आपकी सुंदरनगर मंडी में। तो इनसे जो है वो जरूर एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और इनको जो है वो आप टिप्स पर याद रखिएगा, अगर कोई भी ब्रीडिंग फार्म से रिलेटेड या फिर पोल्ट्री फार्म से रिलेटेड जो है वो आपका आता है क्वेश्चन, तो इससे बाहर से जो है वो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।